हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनाली। वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है अबाउट माय लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी। टू ऑफ कोर्स फर्स्ट लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है ऑलमोस्ट 3 इयर्स के पहले। मेरी फर्स्ट डॉटर हुई थी ध्वनि, तब तो एक्चुअली वो था मेरा सी सेक्शन। तो इस बार ये जो डिलीवरी स्टोरी है ये काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि इस डिलीवरी के लिए, जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी, इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत ली, बहुत ही ज़्यादा। तो ये था मेरा वी बैक। जी हाँ, जिनको थोड़ा बहुत पता होगा, वी बैक मीन्स वजाइनल डिलीवरी, दैट इज़ नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर सी सेक्शन। जी हाँ, तो मैं अभी जर्नी ना मेरी काफ़ी लंबी रही। आज का वीडियो बनाने के पीछे एक इंटेंशन ये भी है, क्योंकि मैंने खुद मेरी प्रेगनेंसी में इतने ज़्यादा वीबैक के वीडियोस देखे, इतनी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी मैं, कि मैं चाहती कि जब मेरा वीबैक हो तो मैं खुद दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनूं और मैं खुद वीडियोस बना सकूँ कि मेरा वीबैक कैसे हुआ। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी लेडीज है, जैसे मैं प्रेगनेंसी में वीडियो सर्च करती थी कि वीबैक के लिए कैसे करें, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करूं, कि इस बार तो हुई और पॉसिबल है क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो मेरा वीबैक हुआ तो मैं फॉर्चुनेट समझती हूँ खुद को, कि मैं आपके साथ में शेयर कर पा रही हूँ कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ और मेरा कैसे जर्नी रही, मैं कैसे मैंने अपनी नॉर्मल डिलीवरी को पॉसिबल किया आफ्टर फर्स्ट सी सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो इस बार मैंने कंसीव किया था, पहले से ही मेरा इंटेंशन था कि मुझे पहली डिलीवरी में भी नॉर्मल करना था, लेकिन उस टाइम पे मेरी नॉलेज जो है नील था अबाउट मिस नॉलेज मिस प्रेगनेंसी कैसे अच्छा करना है, इसका नॉलेज मैंने बहुत अच्छे से गेन किया था, लेकिन डिलीवरी के मामले में मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था। मेरा जो कन्वेंशनल, जो मतलब हमेशा वाला डॉक्टर था, उस पर ट्रस्ट किया। और मेन बात कि मेरा सब कुछ हेल्दी रहते हुए भी मेरी प्रेगनेंसी जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल नहीं हुई, और उसका वो एक तरीके से ट्रॉमा था मेरी लाइफ में, क्योंकि जो सी सेक्शन के बाद में मेरे स्टिचेस का पेन था और मेरी जो आफ्टर प्रेगनेंसी जर्नी थी, आफ्टर डिलीवरी के बाद का टाइम, वो बहुत ही ख़राब गया था। तो इस बार थोड़ा सा मन में था कि कैसे भी तरीके से यार नॉर्मल अगर हो जाए तो रिकवरी जल्दी होगी, एज मेरे पास में कोई है नहीं, ना सास है ना मम्मी है, तो मेरी बड़ी बेटी का मुझे करना है तो मुझे जल्दी रिकवर होना बहुत ज़रूरी था। तो इस वजह से मैंने बहुत रिसर्च करना चालू किया। तो तब मुझे पता चला कि हाँ, पॉसिबल है, ऐसे लोग हैं जिनका हुआ है। इसमें एक स्टेप मुझे दिखी, अगर आपको नॉर्मल करना है तो एक मैंने एनालाइज किया बहुत सारे वीडियोस के बाद में, रिसर्च के बाद में। मेरे घर की एक बाई थी जिसका पहले सी सेक्शन के बाद में दूसरा नॉर्मल हुआ था, तो एक बात मैंने ऑब्जर्व की, एक स्टेप्स मुझे पता चले। तो ये बता रही हूँ आपको, शेयर कर रही हूँ, कि जैसे देखिए मैंने ऑब्जर्व किया कि सबसे मेन बात, आपको जो डॉक्टर है वो बहुत अच्छा चुनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद आपको एक ऐसा डॉक्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा जो वीबैक फ्रेंडली रहे, ठीक है, जो सच में आपको बोले कि हाँ पॉसिबल है, फर्स्ट सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। वंस अ सी सेक्शन ऑलवेज अ सी सेक्शन बोलने वाले डॉक्टर के पास में आप अगर जाओगे तो पॉसिबल नहीं है आपका, कभी नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने देखी कि आपको डॉक्टर चुनना पड़ेगा बहुत स्मार्टली। सेकंड, आपको खुद को हेल्दी रखना पड़ेगा। हेल्दी मीन्स डाइट, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस फ्री, ये तीन फंडे हैं जो मैं हेल्दी ह्यूमन बींग की समझती हूँ। डाइट, एक्सरसाइज जो है इसका एक बहुत बड़ा रोल है नॉर्मल डिलीवरी में, ये मैंने बहुत एनालाइज किया। तो खुद को हेल्दी रखना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट था। और जो थोड़ा बर्थिंग का नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो मैं लग गई अपने काम पे, फिर तीन स्टेप मुझे पता चल गया रिसर्च के बाद में। तो मैंने मैं स्पेसिफिकली नाम लेना चाहूँगी, शिवानी का यूट्यूबर है, आप उनका यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं नीचे शेयर करूँगी। उनके वीडियोस मेरे लिए काफ़ी इंस्पायर्ड रहे और उन्होंने खुद के वीडियोस में 3 हॉस्पिटल्स के नाम मेंशन किए थे। तो उसमें से जो मैं अभी एक्चुअली मैं नागपुर में रहती हूँ, बाहर की सिटी में जाके डिलीवरी करना इज क्वाइट अ
रिस्की काम ऐसा लोग समझते थे, लेकिन इस बार मैं कंफर्म थी और मेरे हस्बैंड का भी काम था उस सिटी में मेरे डिलीवरी के टाइम पे, तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मैंने डिसाइड किया हैदराबाद फॉर डिलीवरी, और वहाँ पे मेरा जो बर्थ सेंटर था, मैंने एक ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा एक्चुअली दैट इज़ नॉट हॉस्पिटल, इज़ अ बर्थ सेंटर, ओनली टू बर्थ सेंटर्स आर देयर इन इंडिया। तो मैंने वो ऐसा चूज़ किया बहुत रिसर्च के बाद में, जहाँ पे वीबैक के रेट्स बहुत ज़्यादा है। तो मैं पहली स्टेप तो पार कर चुकी थी, और आई मीन मतलब मुझे उस चीज़ के लिए मैं बहुत खुद को दाद देती हूँ कि मैंने वो जगह रिसर्च करके चुनी, क्योंकि वो वहीं पे मेरा आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया। उन्होंने डाइट काउंसलिंग, मेडिटेशन, योगा, इसका पूरा कॉम्बिनेशन दिया, और मेरे हाथ में क्या था, उन्होंने दो जो चीज़ें दी हुई है उसको फॉलो करना। ऑफ कोर्स गारंटी वो भी नहीं ले रहे थे कि मेरी नॉर्मल ही डिलीवरी होगी करके, तो उन्होंने मुझे लमाज क्लासेस ज्वाइन करने को लगाया, योगा ज्वाइन करने को लगाया। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जैसे आप देखते होंगे कि जो मतलब जो औरतें जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती है, नॉर्मल डिलीवरी इन्हीं लोगों में ज़्यादा देखी जाती है कि जो एक्सट्रीमली एक्टिव रहती है, जो मतलब जिनका काम सिटिंग का नहीं रहता, फुल डे वो लगी रहती है काम में, स्पेशली जो वर्कर्स लोग हैं उन, वो कभी यू विल नेवर यू नो हियर कि उन्होंने कभी उनका सी सेक्शन हुआ करके, दे नॉर्मल डिलीवरी। तो एक्सरसाइज का जो रोल था वो मुझे बहुत अच्छे से समझ गया। तो मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड मंथ से मैंने एक्सरसाइज बहुत ही रेगुलरली मन लगा के चालू की। तो पहला स्टेप मैंने कर लिया था, डॉक्टर और जो हॉस्पिटल था वो वीबैक फ्रेंडली मैंने चूज़ कर लिया। उन्होंने जो जो चीज़ें दी बताई मुझे, योगा, एक्सरसाइज एंड ऑल, सब फॉलो करना चालू किया। थर्डली डाइट भी मैंने, डाइट में मैंने बहुत सारे चेंजेस किए क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ाने था, उन्होंने जो जो बताया था वो सारा डाइट मैंने फॉलो करना चालू कर दिया। और सेकंड ट्राइमेस्टर से जो मेरा चालू हुआ एक्सरसाइज, वो मेरे डिलीवरी के दिन तक के चालू रहा, और उसमें उस चीज़ का मेरे नॉर्मल डिलीवरी में बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब मैंने फॉलो किया। अब मेरा जो ड्यू डेट था वो था 22nd जनवरी आ गया, लेकिन मुझे कोई पेंस नहीं थे, तो मैं थोड़ा सा डर गई क्योंकि मैंने सब फॉलो किया था, मुझे लगा अरे क्या। लेकिन मेरे डॉक्टर ने पहले ही बता कर रखा था कि डेट की ड्यू डेट पास भी हो जाए तो भी अपन वेट करेंगे, तो वेट किया। बाद में दूसरे ही दिन 23 जनवरी को मुझे दोपहर में 12 बजे पेंस आना चालू हुआ, लेकिन वो बहुत माइल्ड थे, मुझे कुछ ज़्यादा मतलब फील नहीं हो रहा था। लेकिन लमाज क्लासेस करने के बाद में मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं। तो दोपहर में 12 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक के मुझे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आने चालू हो गए थे, और यानी पूरा 12 घंटे का टाइम मैंने पेंस में बिताया, जो कि अर्ली लेबर था, मतलब जो इनिशियल टाइम पे होते हैं, और वो बियरेबल थे, मैं अच्छे से बियर कर सकती थी। लेकिन रात में 12 बजे मेरे पेन स्टॉप हो गए, तो मुझे आ गया टेंशन, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ कहीं पे मेंशन था कि आने के बाद बंद भी हो सकते। मैंने तुरंत अपने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, शी वॉज टेलिंग कि ये नॉर्मल है, ऐसा होता है कि पेन्स आएंगे और थोड़ा गायब भी हो जाएंगे। वो ब्रैक्सटोन हिक्स नहीं थे, फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं थे, वो रियल कॉन्ट्रैक्शंस ही थे, लेकिन वो आके गए। तो फिर दूसरे दिन मैं डॉक्टर के पास गई, तो फिर डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने एक्चुअली, वो तो मेरे डॉक्टर बोलते थे कि आने की भी कोई ज़रूरत नहीं, पेंस रात में फिर से स्टार्ट हो सकते हैं, होएंगे ही। तो फिर भी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था कि ये कैसे हो रहा है, मतलब जिस चीज़ के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो ना, तो और टाइम पे अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो तो आप एकदम बहुत कॉन्शियस हो जाते हो, तो उस तरीके का मेरा एटीट्यूड हो गया था वो टाइम पे। तो मैं गई, तो गई तो थोड़ा क्या हो गया, उन्होंने मेरा बीपी चेक किया, जो रेगुलर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो प्रेगनेंट लेडी का सबसे पहले वही होता है, वेट और बीपी। मेरा बीपी थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, बेटर है, ड्यू डेट भी पास हो चुकी, आप एडमिट हो जाओ। और मेरा जो बर्थ सेंटर था उसमें, और जिनको नॉर्मल डिलीवरी वीबैक के बारे में पता है उनको पता होगा कि वीबैक में आपको आर्टिफिशियली इंड्यूस नहीं कर सकते, तो पेंस अगर अपने आप आते हैं तो आप बहुत लकी हो, ठीक है। तो अभी वो टाइम पे तो मेरे कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो गए थे और मेरा थोड़ा सा बीपी फ्लक्चुएट हो रहा था, तो मैम ने सारे नेचुरल मेथड्स अपनाए मेरे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने के लिए।
और फिर भी बीपी का आगे पीछे चल रहा था, तो मैं उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा खुद को काम रखने की कोशिश करती। एक्चुअली प्रेगनेंसी में लास्ट में स्ट्रेस की वजह से ही बीपी हो, ये ज़रूरी नहीं रहता। उसमें कैसे प्लासेंटल जो ब्लड फ्लो का है वो कभी कभी उसमें मतलब आगे पीछे होता है, तो वो बीपी फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो मैं सोच रही थी कि कैसे भी तरीके से बीपी कांस्टेंट रेंज में आ जाए तो मेरा स्मूथ जाए जर्नी, फिर भी आगे पीछे होगा। लेकिन थैंक्स टू सिस्टर, वहाँ पे एक सरोज सिस्टर करके थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगा दी मैम ने, और जैसे ही ऑक्सीटोसिन 12 या 2 बजे लगाई उन्होंने, मेरे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए। और आई वॉज सो थैंकफुल एट दैट टाइम कि कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, पेन तो मैं सहन कर लूँगी कितना भी आए, लेकिन पेन आएगा तभी चीज़ें बढ़ेगी ना। क्योंकि वहाँ पे लमाज क्लास में मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे साथ ही थी, जो विभाग के लिए आई थी, तो उसका पेन स्टार्ट होके 6 दिन तक के पेन उसका आगे पीछे होता रहा, लेकिन उसका पेन आगे नहीं बढ़ा, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस आगे नहीं बढ़े, तो उसका सीजर करना पड़ा था। तो मैं थोड़ा सा वो फिर मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने बोला चलो देखते क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए, और फिर कॉन्ट्रैक्शन एक्टिव लेबर स्टार्ट हो गए, मतलब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो गए। हाँ, एक पॉइंट आ गया था जो लास्ट का 2 घंटा था, मतलब मेरा 2 बजे से कॉन्ट्रैक्शन एक्टिव लेबर स्टार्ट हो गया, ज़्यादा वाली कॉन्ट्रैक्शन, और 5 बजे तक बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गए थे कॉन्ट्रैक्शंस। वहाँ की सिस्टर जो मेरे लिए अपॉइंट की गई थी, उन्होंने मुझे ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस, ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा जो पेन था मुझे, तब मुझसे स्क्वाटिंग करवाई, तब मुझे टॉयलेट सीट पे बिठाया बहुत टाइम तक के, जब भी कॉन्ट्रैक्शन आते थे, और तब उन्होंने डिफरेंट पोजीशन करवाई। बहुत पेनफुल था, लेकिन मुझे पता था कि ये मुझे सही राह पे लेके जा रहे, तो मैंने किया, एकदम अनबेरेबल हो रहा था। और बाद में जब मेरे से सहन नहीं हो रहा था, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के बीच में मैं थक के सो रही थी, इतना वो सहन करने के एकदम बाहर था, लेकिन हर एक कॉन्ट्रैक्शन आपको अपने बेबी के पास में लेके जा रहा है, आपका बेबी मूव हो रहा है नीचे की तरफ, ये एक पॉजिटिविटी मेरे डॉक्टर ने मेरे को दी थी, और वही दिमाग में रख के मैं सहन किए जा रही थी। और फिर मतलब फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि हाँ अभी आपका 4 सेंटीमीटर है, बाद में 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक के वो 6 से 7 सेंटीमीटर तक के हो गया था, और फिर आया टाइम 7:55 समथिंग का, तब मुझे एक बहुत स्ट्रांग, मतलब एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स मुझे एक बहुत स्ट्रांग अर्ज हुई पुश करने की, मुझे समझ में आया कि बेबी का सर नीचे आ गया है। तुरंत मेरे डॉक्टर ने बोला कि 20 मिनट में बेबी बराबर से बाहर आएगा, तुम बिल्कुल अच्छे से पुश करना। अभी ऐसा है कि मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत स्टडी करके रखा था कि पुश इस तरीके से करना है कि टीयर नहीं होना चाहिए करके, लेकिन ट्रस्ट मी, जब पेन्स आते हैं तब आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, एक तो आपको वो सहन करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो मैं सब भूल गई, मुझे पुश करने की मैंने पोजीशन पहले डिसाइड करके रखी थी कि मैं कैट एंड काउ पोजीशन में, मतलब ऐसे झुक के करूँगी पुश, जिसमें पेन कम होता है और आपका जो टीयर होने का डर रहता है वो कम होता है। एक्चुअली वहाँ पे वाटर बर्थ भी था, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं थी। एक्चुअली मेरे बॉडी ऐसी कि जब मुझे पेन आता है, कोई भी पेन होता है ना, तो मैं कांप उठती हूँ, और ऐसे टाइम में अगर आप पानी में जाओ ना तो आप और शिवरिंग करते हो और आपका ध्यान भटक जाता है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे टब में नहीं जाना है फिलहाल, तो मैं बाद में जाऊँगी, लेकिन बाद का टाइम ही नहीं आया, मुझे अर्ज होगी पुश करने की। मैंने स्लीपिंग बैक पोजिशन में, जबकि बैक पोजिशन में एक्चुअली पुश करना इज़ नॉट अ यू नो मतलब इज़ नॉट गुड, क्योंकि उसमें ज़्यादा ताकत लगती है। लेकिन मुझे फिर एक पॉइंट पे याद आया कि मैंने एक पोजीशन देखी थी रिसर्च करते वक्त में, मैंने अपने पूरे पैर को पास में लिया और जोर से पुश किया, तो विद इन 5 मिनट्स मेरी बेबी बाहर आ गई, एंड ट्रस्ट मी पूरा पेन गायब। पहले बेबी आई, बाद में जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो आया, मेरा अम्बिलिकल कॉर्ड ऑलमोस्ट 4 फीट का था, जो कि डॉक्टर भी बोली कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मैंने देखा बोले। तो फिर बाद में प्लासेंटा रुका था, डॉक्टर बोले कि 2 मिनट रुको, प्लासेंटा के लिए पुश अभी मत करना। फिर उन्होंने कॉर्ड निकाला और बाद में प्लासेंटा को पुश किया मैंने, एंड तब तक मुझे पता भी नहीं था जेंडर क्या है। फिर डॉक्टर ने बोले कि आप देखो, मैंने जैसी भी बेबी गर्ल थी, एंड आई वॉज सो हैप्पी। उन्होंने फट से बेबी गर्ल को मेरे ओपन चेस्ट पे दिया और वैसे ही रखने को बोला। मतलब बता रही हूँ मैं, मेरा जो ये एक्सपीरियंस, किसी भी लेडी का जो डिलीवरी डे का एक्सपीरियंस रहता है वो कभी नहीं भूलती है।
मुझे वो सिस्टर का जो हेल्प था और जो मैंने पूरे 9 महीने मेहनत की थी उसका फल मिलते देखा, तो आई एम टेलिंग यू ये जो एक्सपीरियंस था, मतलब मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस और नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस, ज़मीन आसमान का अंतर था, और जो दर्द मेरा गायब हो गया था और जो खुशी थी, ऑसम। और मैं पर्सनली ये फील करती हूँ कि हर एक लेडी ने जो मतलब जो बर्थ दे रही है उसने नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि ये आपको आपके बॉडी का पावर बताता है, किस तरीके से आपकी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि एक छोटे से बच्चे को हल्का सा बड़ा करके आपके बॉडी से बाहर निकालती है। दिस इज अमेजिंग। और मतलब ये जो एक्सपीरियंस था नॉर्मल डिलीवरी का, ये पूरी जर्नी रही मेरी, तो ऑलमोस्ट अगर ऐसा बताए तो 12 घंटे का मेरा अर्ली लेबर और ये 6 घंटे, इसको मिला के मेरा 18 घंटे का था, लेकिन मेन जो मेरा पेन था वो 6 घंटे का था। और मुझे स्टिचेस जो है वो सिर्फ 2 आए, तो वो बहुत ही कम थे और मुझे पता भी नहीं चला कि स्टिचेस आए करके, तो पुशिंग मैंने बहुत अच्छे से की थी। तो ये एक मतलब डॉक्टर ने भी कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपने पुशिंग बहुत अच्छी तरीके से की, तो ये कुछ जो चीज़ें हैं वो मैंने एकदम बराबर से फॉलो की। और बाय गॉड ग्रेस अब आप भी फॉलो मतलब सब चीज़ें फॉलो करो और आपका भी विभाग हो, ऐसा ज़रूरी नहीं रहता कि हर किसी का हो, लेकिन चीज़ें बराबर टाइम पे आपसे आपके बॉडी के सूटेबल होनी चाहिए। और मेहनत जो करते हैं वो फालतू नहीं जाती, जैसे मेरे डॉक्टर भी बोल रहे थे कि आपने जितना वॉकिंग किया, आपने जितना कुछ किया वो वेस्ट नहीं गया है, क्योंकि उसमें भी आपका बेबी मतलब मेरे लिए हर कंडीशन सूटेबल थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। बेबी हेड डाउन पोजीशन में लाया मैंने एक्सरसाइज से, बाद में पेल्विक रीजन में एंगेज करने की एक्सरसाइज मैंने अलग की, और बाद में जो लेबर स्टार्ट होने की एक्सरसाइजेस थी वो भी मैंने बराबर से की। तो अगर आप चीज़ें बराबर कर रहे हो तो आपके साथ में सही चीज़ ही होगी। तो ये मतलब मैं खुद शेयर करना चाहती, थैंक यू शिवानी। एंड मैंने जिन जिन लोगों के वीडियोस से इंस्पायर हुए उनके मैं नाम मेंशन करूँगी पक्के से। और आपको मतलब फीडबैक से रिलेटेड कोई भी मतलब आपको हेल्प चाहिए या फिर मेरे से जुड़ना है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं मतलब आप मुझे हेल्प मिली बहुत लोगों से, तो किसी को मुझसे हेल्प चाहिए रहेगी तो मैं भी बहुत खुशी से दूंगी, क्योंकि ये डिलीवरी टाइम ऐसा होता है जब हर लेडी को ज़रूरत रहती है। किसी एक लेडी की जो आपकी फ्रेंड हो, माँ हो, सास, कोई भी रह सकता है, लेकिन वो आपको ना मोटिवेशन देने वाला चाहिए। तो मैं भगवान की दया से मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही, और यू शुड एक्सपीरियंस नॉर्मल डिलीवरी एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी वेरियस एक्सरसाइजेज जो मैंने की थी, जो मेरी तरफ से कुछ भी मतलब एक मेरा जो हेल्पफुल चीज़ें रही वो मैं पक्के से शेयर करूँगी, जो किसी ना किसी को तो हेल्प होगी उससे, कि जिससे उसकी मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस उसको मिले कि जिससे उसको अपनी बॉडी की ताकत पता चले, और उसके साथ में जो रिकवरी का है, जो सी सेक्शन इज़ अ वेरी हॉरेबल एक्सपीरियंस, मतलब हर किसी के लिए नहीं रहता, लेकिन इट्स अ अननेचुरल वे टू डिलीवर अ बेबी। तो अगर आपके पास में है चॉइस तो आप कर सको स्मूथली। इसके लिए मैं बहुत सारे वीडियोज़ पोस्ट करती रहूँगी, तो मिलती हूँ आपको नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और